हेलो एवरीवन, वेलकम है अनवे अकेडमी की आज की क्लास में। एंटोनिम सिनोनिम्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कल के बाद की क्लास के आगे। सो आज का फर्स्ट वर्ड होगा आपका अफेबल। फर्स्ट वर्ड है अफेबल, ठीक है। सबसे पहले बात तो समझो अफेबल मीन्स क्या होता है। अफेबल मीन्स होता है मिलनसार, है ना। अफेबल मीन्स होता है मिलनसार। अब सबसे पहले इसका सिनोनिम्स लिख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे पहला तो फ्रेंडली, एक हो गया फ्रेंडली, है ना, एक हो गया पोलाइट। भाई जब पोलाइट होगा तभी वो मिलनसार हो जाएगा आपसे, है ना। एक होता है कॉर्टियस। कॉर्टियस, कॉर्टियस का हिंदी सेंस होता है शिष्ट, ठीक। शिष्ट है वो तभी आपसे मिलनसार है, ठीक। एक हो गया अमाइबल। अमाइबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, यानी मिलनसार, मित्रता, ठीक। अमाइबल, फ्रेंडली, पोलाइट, कॉर्टियस। और एक होता है सोसिएबल, मतलब जो बहुत सामाजिक हो, ठीक। और एक होता है स्विफ्ट, एस यू ए वी, मित्रतापूर्ण जिसका नेचर हो, ठीक। फ्रेंडली हो गया, पोलाइट, कॉर्टियस, अमाइबल, सोसिएबल। और एक होता है फॉल्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉल्सी। फॉल्सी का मतलब भी होता है मिलनसार, ठीक। मतलब बहुत फॉक्सी है, इस सेंस में भी हम इसको मिलनसार के सेंस में यूज करते हैं इस वर्ड को। एक नेक्स्ट वर्ड है केमी, सी एच यू डबल एम वाई। इसका भी सेम मीनिंग यही होता है मिलनसार। केमी का मतलब भी होता है मिलनसार, ठीक है। तो स्वेव, फॉक्सी, केमी। इसके बाद आप जेंटल लिख सकते हो, जेंटल भी होता है। एक होता है, एक और वर्ड है डेबोनियर। डेबोनियर इसका मतलब भी होता है, मतलब जो संतुलित रहते हैं, जो हमेशा नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो मिलनसार के सेंस में ये भी यूज हो गया डेबोनियर, ठीक है। और एक लिखो मैनरली, जो आपसे बहुत मैनर के साथ बिहेव करे, इट्स कॉल्ड अफेबल। तो अफेबल के कितने सिनोनिम्स मिल गए, देखिए, फ्रेंडली, पोलाइट, कॉर्टियस, अमाइबल, सोशिएबल, स्वेव, फॉक्सी, कैमी, जेंटल, डेबिनियर और मैनरली, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अफेबल। सो अब एंटोनिम्स कुछ लिख लेते हैं। वैसे एंटोनिम्स इतने टफ नहीं फील होते हैं क्योंकि मोस्टली इन्हीं का अपोजिट हो जाता है, जैसे इम्पोलाइट हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, डिस्कॉर्टसी हो गया। एक वर्ड है हॉटी। हॉटी का एक्चुअल मीन होता है घमंडी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो मिलनसार नहीं है क्योंकि वो घमंडी है, इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली और रूड लिख सकते हैं। उसका नेचर बहुत रूड है, वो मिलनसार नहीं है, है ना, इस तरह। तो ये अफेबल कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स हो गए। सो नेक्स्ट वर्ड इज किंड्रेड, सॉरी अकीन। नेक्स्ट वर्ड इज अकीन। अकीन का क्या मतलब होता है? सदृश या समान, ठीक। इसका पहला सिनोनिम्स आप लिखो किंड्रेड। किंड्रेड का मतलब होता है संबंधित, उससे संबंधित या संबंधी, संबंधित, ठीक, मतलब उसके इक्वल है इस सेंस में, ठीक है। अलाइक लिख सकते हो, अलाइक का मतलब होता है वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, ठीक। किंड्रेड हो गया, अलाइक हो गया। एक होता है अलाइड, एक होता है कॉग्निट, ठीक। तो अलाइड का मतलब क्या हो गया? अलाइड का मतलब हो गया संबद्ध, इससे संबद्ध है। और कॉग्नेट का मतलब होता है सजाति, एक ही जाति के लोग, है ना, इसको
कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अकीन के कुछ सिनोनिम्स हैं, किंड्रेड, अलाई, अलाइड, कोऑर्डिनेट और एक एक तो रिलेटेड, मतलब भाई ये इससे रिलेटेड है, यानी ये इसके इक्वल है ना। एक रिलेटेड हो गया और एक होता है एनालॉगस, एनालॉगस इसका मतलब होता है अनुरूप, उसी के अनुरूप है। ठीक, तो अकेन के सिनोनिम्स क्या हो गए, किंड्रेड, अलाइक, अलाइड, कॉग्निट, रिलेटेड, एनालॉगस और आप सिमिलर भी लिख सकते हो, ये इसके सिमिलर है ना। आप इसके कुछ एंटोनिम्स चलते हैं, एंटोनिम्स का क्या मतलब हो गया कि जो इससे अलग है, यानी सबसे पहला तो आपका डिफरेंट बन गया है ना अकीन में कि वो डिससिमिलर है, डिससिमिलर है, डिफरेंट है और डिफरेंट हो गया और एक हो गया अनअलाइड है, अनअलाइड मतलब वो इसके सिमिलर नहीं है। तो सदृश के सेंस में डिससिमिलर, डिफरेंट, अनअलाइड, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, जो बहुत उचित हो, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले वर्ड आपको एप्रोप्रिएट लिखो, है ना, एक होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया एकदम उचित जो होता है उसको। एक होता है वर्ड अपोजिट, देखो ध्यान से देखो, हमने ओ नहीं लिखा, मैंने ए लिखा, अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उचित, अपोजिट का मतलब हो गया उचित। एक हो गया एप्रोप्रिएट, हो गया आपका अपोजिट, स्वीटेबल, जो आपके लिए स्वीटेबल है ना, एक लिख दो फिटिंग, सुटेबल, फिटिंग, एप्रोप्रिएट, एपोजिट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, पर्टिनेंट का भी मतलब होता है उचित, इसका मीन्स भी हो गया उचित। नेक्स्ट है पर्टिनेंट के बाद, देखो एक वर्ड है जर्मेन, कंफ्यूज मत होना, जर्मन लिख दो, जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है सार्थक, जो चीज एकदम सार्थक है, सार्थक है मीन्स वो उचित है। ठीक, एप्रोप्रिएट, अपोजिट, सुटेबल, फिटिंग, पर्टिनेंट, जर्मेन और एक हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का भी मतलब होता है उपयुक्त, कॉन्ग्रुएंट इसका मीन्स हो गया उपयुक्त। अभी साथ के साथ याद कर लो, एप्ट है तो देखो, एप्ट है तो ये भी, एप्रोप्रिएट, एपोजिट, स्विटेबल, फिटिंग, पर्टिनेंट, जर्मेन और कॉन्ग्रुएंट। एक और लिखो कॉन्ग्रुवस, कॉन्ग्रुवस का मतलब भी होता है उपयुक्त, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है और वो कॉन्ग्रुवस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। एक होता है हार्मोनियस, हार्मोनियस इसका मतलब भी होता है उपयुक्त, ठीक, इसका मतलब भी क्या हुआ उपयुक्त। अब देखते हैं कुछ इसके एंटोनिम्स, आपको एग्जाम में एंटोनिम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी प्रॉब्लम आपको सिनोनिम्स में होगी। ठीक, इसमें देखो इनएप्ट है, इनएप्रोप्रिएट है, इनकॉन्ग्रुअस है, इम्प्रॉपर है, अनस्विटेबल है, इनअपोजिट है और इरिवेलेंट है, मतलब सब इसी के हैं कि आप इनएप्ट लिख दो, इम्प्रॉपर कर दो, है ना, और इनअप्रोप्रिएट लिख दो, इनएप्रोप्रिएट हो गया और उसका इनकॉन्ग्रुअस कर दो, इनकॉन्ग्रुअस
शॉर्ट नटशेल आप ये समझो कि आपको ये सारे सिनोनिम्स पता होंगे तो आप एंटोनिम्स आराम से कर लोगे. एप्रोप्रिएट है, अपोजिट है, सुटेबल है, फिटिंग है, पर्टिनेंट है ना, जर्मेन है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुवियस है, ठीक है, और रेलिवेंट है, इस तरीके के वर्ड्स हैं, हार्मोनियस है. तो दीज आर द सिनोनिम्स ओके ऑफ एप्ट एंड एंटोनिम्स ऑल्सो. सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज एबनॉर्मल. एबनॉर्मल का मतलब होता है जो लोग नॉर्मली बिहेव नहीं करते, जो सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, है ना, इट्स कॉल्ड एबनॉर्मल. अब इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स इसका होगा अनयूजुअल है, इररेगुलर है, एनामलस है. सो अनयूजुअल एक हो गया, अनयूजुअल एक हो गया, अनयूजुअल है ना, और दूसरा इसका हो जाएगा इररेगुलर, जो अनियमित हो, इररेगुलर. एक अनियमित हो गया, अनयूजुअल हो गया. एक वर्ड होता है एनोमेलस, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, एनोमेलस. एनोमेलस का मतलब भी होता है जो, ठीक है, तो एनोमेलस मतलब होता है जो नियम के विरुद्ध हो, नियम विरुद्ध, है ना. तो नियम विरुद्ध लोग भी असाधारण होते हैं, मतलब अब नॉर्मल टाइप के जो बिहेव करते हैं. एक हो गया ऑड, और नेक्स्ट है स्ट्रेंज, थोड़ा विचित्र टाइप का कोई लग रहा हो, इट्स कॉल्ड स्ट्रेंज है. ऑड हो गया, स्ट्रेंज हो गया. एक वर्ड है इरेटिक. इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है असाधारण, मतलब कि जो अनियमित हो, असाधारण ही अनियमित. इरेटिक इज कॉल्ड अनियमित, ठीक है. तो सिनोनिम्स एबनॉर्मल में क्या क्या हो गया? अनयूजुअल, इररेगुलर, एनोमलस और ऑड, स्ट्रेंज और इरेटिक. और एक और लिख लो अननेचुरल, जो थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा हो, है ना. ये सारे अब नॉर्मल के आपके सिनोनिम्स हो गए. अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? अब इनके एंटोनिम्स इसका जस्ट अपोजिट कर लो, यूजुअल, रेगुलर, नेचुरल, नेचुरल, है ना, यूजुअल, रेगुलर, नेचुरल, नॉर्मल. एक हो गया नॉर्मल. बस एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड है कस्टमरी. ये जो वर्ड है वो होता है कस्टमरी, इसका मतलब होता है प्रथागत. इसका मतलब होता है प्रथागत, मतलब कोई असाधारण बात नहीं है, ये प्रथागत है, ये प्रचलन में है. सो हम यहाँ इसको इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये एबनॉर्मल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए, अनयूजुअल, इररेगुलर, एनोमेलस और स्ट्रेंज, इरेटिक और अननेचुरल. सबकी मीनिंग लगभग लगभग आप जानते होंगे. और एंटोनिम्स में जस्ट अपोजिट, यूजुअल, रेगुलर, नेचुरल, नॉर्मल, कस्टमरी, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एक्टिव. एक्टिव का मतलब होता है जो कार्यरत हो या फिर जो बहुत फुर्तीला हो, है ना. तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ब्रिस्क, एनर्जेटिक, निम्बल और अजाइल, ठीक है. तो ब्रिस्क मीन्स क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, तेज, जो बहुत तेज हो, ठीक. और निम्बल का मतलब होता है चतुर, बहुत जो चतुर हो. और अजाइल मीन्स होता है फुर्तीला. अजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, ठीक है. सो ब्रिस्क, एनर्जेटिक, निम्बल और अजाइल. अब एंटोनिम्स में आ जाओ. इनएक्टिव क्लियर है. श्लगिस मतलब होता है सुस्त. ये बहुत फेवरेबल वर्ड है, श्लगिस मतलब सुस्त. लेजी मीन्स भी सुस्त होता है. पैसिव तो एक्टिव का जस्ट अपोजिट हो गया पैसिव. और एक वर्ड है टॉर्पिड. टॉर्पिड का मतलब होता है बेमन. हमें जब हम कोई काम बेमन करते हैं तब भी हम बहुत अच्छे से, मतलब बहुत एक्टिव होकर कोई काम नहीं करते, लगता है कि हम श्लगिस वे में उस काम को कर रहे हैं, ठीक. और एक वर्ड है इंडोलेंट. इंडोलेंट का मतलब होता है अकर्मण्य.
जिसके पास कोई काम नहीं है उसको बोलते हैं इनडोलेंट। ठीक है, ये भी आपका एक्टिव का जस्ट अपोजिट हो गया। तो एक्टिव के सिनोनिम्स हो गए ब्रिस्क, एनर्जेटिक, निम्बल, अजाइल, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव, पैसिव, इंडोलेंट, लेजी, टॉर्पिड और स्लगिश। ठीक है, स्लगिश मतलब सुस्त होना। ये सारे एक्टिव से रिलेटेड वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है उत्साह या किसी चीज के लिए बहुत उत्सुकता होना, इगर्नेस होना। अर्डेंट का मतलब याद रख लेना उत्साह, इसको ऐसे याद कर लेते, थोड़ा कोरिलेट कर लो। अर्डेंट अर्जेंट है ना, इस काम को करने के लिए, तो हम उत्साह से इसको रिलेट कर लें कि अर्डेंट का मतलब हो गया उत्साह। सिनोनिम्स क्या क्या है, परफर्विड, परफर्विड का मतलब होता है उत्सुक, परफर्विड मतलब हम बहुत उत्सुक हैं इस चीज के लिए। ठीक है, फर्वेंट का मतलब भी होता है उत्सुक, और पर परविट कहीं कहीं उत्साही भी दिया होता है। ठीक है, उत्साही। इम्पैशन्ड का मतलब होता है जोशपूर्ण, जोशपूर्ण। देखो पैशन नहीं है, पैशन्ड है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों की कि पैशन का मतलब तो दूसरा होता है, ये वर्ड ही दूसरा है। इम्पैशन मतलब जोशपूर्ण। इंटेंस, एक इंटेंशन मतलब होता है इरादा, और एक इंटेंस का मतलब होता है जोशीला। ठीक है, तो इस इंटेंस का मतलब होता है जोशीला या तीव्र। इगर का मतलब पता है कि तीव्र इच्छा रखना। पैशनेट, ये देखो ये अलग वर्ड है, पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है जोशीला, पैशनेट मतलब जोशीला। एक ये आ गया हर्टी, HERTI, हर्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना। एंथुजियास्टिक, ये वर्ड तो बहुत मतलब आसान है, इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण। ठीक, अब एक वर्ड आ गया कीन। अब इसके कई सारे और मीनिंग होते हैं, बस इसका एक मीनिंग और होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। एक वर्ड होता है लेस्किवियस। अब देखो लेस्किवियस मतलब होता है तीव्र, लेस्किवियस मतलब होता है तीव्र, और तीव्रता कहाँ होगी, जहां हमें बहुत ज्यादा उत्साह होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्टिव वाले सेंस में जो हमने इसके पहले कराया था एक्टिव, वहां पे भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक वर्ड आ गया एविड, और एविड का मतलब भी होता है उत्सुक। जेलस, ये जे ई वाला अलग होता है, उसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, और ये जो जेड ई है इसका मतलब होता है उत्साह या उत्साही। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्डेंसेंट। इनकॉन्डेंसेंट मतलब होता है जोशीला या फिर उत्साही, जोशीला है ना। तो ये सारे वर्ड्स अर्डेंट के सिनोनिम्स हैं, परफर्विड उत्साही, फर्वेंट उत्सुक, इम्पैशन्ड जोशपूर्ण, इंटेंस तीव्र या फिर उत्सुकता, ईगर पता है, पैशनेट जोशीला, हर्टी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक उत्साहपूर्ण, और कीन फुल ऑफ एंथुजियाज्म। लैश्किवियस का मतलब भी तीव्र होता है, और एविड उत्सुक, जेलस का मतलब उत्साही, इनकॉन्डेंसेंट मतलब जोशीला। ठीक है, सो अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अब देखो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले मान लो हमने लिख लिया इनडिफरेंट, इनडिफरेंट ये वर्ड मैं पहले भी लिखवा चुकी हूं, इसका ये मतलब नहीं कि डिफरेंट मतलब होता है अलग, तो इनडिफरेंट मतलब होता है हो जाएगा एक जैसा। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, ठीक, जो बहुत उदासीन हो, जिसको किसी भी चीज की उत्सुकता ना हो, है ना। और एक होता है एपैथेटिक, एपैथेटिक इसका भी मतलब यही होता है कि जिसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये भी उदासीन के सेंस में है, उदासीन। ठीक, इसके बाद एक वर्ड और देखो, नॉन चैलेंट एक वर्ड होता है, नॉन
चैलेंट, इसका मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, मतलब कह सकते हैं लापरवाह। जिसको जिस काम के लिए उत्सुकता नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो उस काम के लिए क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। सो वी कैन यूज इन द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। और एक वर्ड और हो गया अनइम्पैशन्ड, जो इम्पैशन्ड था इसको लिख सकते हैं अन इम्पैशन्ड, ठीक। तो दीज आर द एंटोनिम्स एंड दीज आर द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स फर्विड, फर्वेंट, इम्पैशन्ड, इंटेंस, ईगर, पैशनेट, हर्टी, इंथुसियास्ट, कीन, लैस्टिवियस, अविड, जेलस और इनकॉन्डेंसेंट। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इन डिफरेंट याद रखना, उदासीन होता है, एपेथेटिक मतलब भी उदासीन, नॉन चैलेंज और अनइम्पेजन, ठीक। तो आज के लगभग एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए नियर अबाउट 4 to 5, एम आई राइट। तो कल इसके आगे की सीरीज रिप्रेजेंट प्रेजेंट करूंगी, आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।